कल देर रात कठुआ के एक बाल आश्रम में बच्चियों के यौन शोषण की शिकायत पर छापा मार कठुआ पुलिस ने 8 छोटी लड़कियों और 12 लड़कों को किया रेस्क्यू। लोगों के अनुसार बाल आश्रम अवैध तरीके से बनाया गया था। कुछ करते हैं तो मैं डांटते हैं, कभी इसके ज्यादा लड़ाई तो बच्चों को हमें क्योंकि हमें उसको शिक्षा देना पड़ता है इसे। और यहाँ पे कौन दिखाता है, कौन दिखाता है? अंकल ये जो चश्मिश वाले हैं। चश्मिश वाले क्या नाम है उनका? अंतोनी। क्या दिखाते हैं उनको? ब्लू ब्लू चिप। अच्छा ब्लू चिप दिखाते हैं। कब से कितनी बार हुआ? 2-3 बारी हो गई। तो आपको किसने बताया कि ऐसा हो रहा है? मेरी बहन ने। क्या बताया? पहलगाम में ट्रैकिंग पर गए एक ग्रुप के 3 में से 2 लोगों की मौत, तीसरा बुरी तरह से जख्मी। पहलगाम ट्रैकिंग एसोसिएशन की टीम मौके पर पहुंचकर डेड बॉडीज को निकालने का काम शुरू किया। मैं पहलगाम से हूं और जैन के टूरिज्म डिपार्टमेंट में एज टूरिस्ट ट्रैकिंग गाइड काम करता हूं। और हमने यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमने एज ह्यूमैनिटी सबसे पहले हम वॉलंटियरली मुताबिक वो लोग वहां पे 9 लड़के गए थे, तो 9 में से ऑलमोस्ट 2 लोगों की तो कल रात को ही शायद वो डेथ हो चुकी थी, तो जो अभी भी मतलब ग्लेशियर पे ही वहां पर है। और एक लड़का हाजिक बेग करके एक लड़का तो जो थोड़ा अनकॉन्शियस हमें दिखा, तो उसको सांबा में एक सड़क हादसे में पिता और बेटी की मौके पर ही मौत, तेज आते ट्रक से हुआ एक्सीडेंट, पुलिस ने सीज किया ट्रक। एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में बोलते हुए कहा, आर्टिकल 35 से पाकिस्तान का आइडिया था जिसे नेहरू ने अडॉप्ट किया था, तो जम्मू कश्मीर को मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया कि आर्टिकल 35A भारत की एक सेक्युलर टेरिटरी पे एक थियोलॉजिकल स्टेट, एक थियोक्रेटिक स्टेट यानी कि एक इस्लामिक या मुस्लिम स्टेट का गठन करता है। ये ऐसा समझौता था जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि शायद ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन के उभरा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट करके एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का गठन किया है, भारत को शायद आगे आने वाले दशकों में तोड़ने के लिए एक बीज जो छोड़ना था एक नए इस्लामिक राष्ट्र का, जे एंड के रूप में भारत की धरती पे एक इस्लामिक स्टेट को बनाने का एक एग्रीमेंट हुआ। अनंतनाग में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, लेटेस्ट खबर मिलने तक ऑपरेशन जारी था। फारूक अब्दुल्ला ने आज एक और बयान देते हुए कहा कि पंचायत के साथ साथ एनसी असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस भी करेगी बॉयकॉट अगर केंद्र सरकार 35A पर अपना रुख साफ नहीं करती। न सिर्फ ये इलेक्शन बल्कि असेंबली तो पार्लियामेंट इलेक्शन के था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक जम्मू को नॉर्थ इंडिया का आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड से चंडीगढ़ में नवाजा गया। डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन अनु मल्होत्रा ने कॉलेज प्रिंसिपल और स्टाफ को इसके लिए बधाई पेश की। पीडीपी में बगावत का दौर जारी, डॉक्टर हसीब द्राबू ने पीडीपी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का हिस्सा बनने से किया इंकार। महबूबा मुफ्ती ने कल हसीब द्राबू और अल्ताफ बुखारी को किया था हाई पावर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल। कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष जीएम मीर ने बीजेपी पर किया वार, बढ़ती कीमतों को लिए ठहराया 10 तारीख को सोमवार को पूरे देश में जनता की तकलीफों को देखते हुए जो प्राइस राइज और खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जिस तरह से अनकंट्रोल तरीके से रेट्स दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं और ऑल टाइम हाई है, इस वक्त 80 रुपये क्रॉस पर लीटर कर रहा है, तो उसका बोझ जो आम आदमी पर है उस बोझ के देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक भारत बंद का प्रोग्राम लिया है।